हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की, वो अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लेकर आएंगे बिहार स्पेशल जीके की वीडियोस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आपको पता होगा कि 17 नवंबर को है आपका एग्ज़ाम बीपीएससी का, और एग्ज़ाम फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आप फिल कर दीजिएगा। अभी के लिए 17 नवंबर ही है डेट, आगे चांसेस हैं कि मे बी दिसंबर में हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए, हमने आपको बोला था कि हम उसी तरीके से वीडियोस लेकर आएंगे जैसे कि हम उत्तराखंड जीके में लेके आए थे, और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फंसे भी थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, स्टेट नेम बिहार, कैपिटल क्या है? पटना। अनाउंसमेंट ऑफ मेकिंग बिहार एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस फ्रॉम बंगाल वॉज मेड इन दिल्ली दरबार, December 12, 1911। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, थोड़ा सा आवाज़ में इसलिए इशू है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो धीरे धीरे हम लोग को कवर करनी है चीज़ें, इसलिए हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस ऑफ बिहार इंक्लूडिंग ओडिशा कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में हुआ था, और इसीलिए 22 मार्च को ही हम बिहार का जो है फाउंडेशन डे, स्टेट डे मनाते हैं। ठीक है, फाउंडेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था, एज बिहार ओडिशा प्रोविंस। बिहार ने स्टार्ट किया था फंक्शनिंग एज अ प्रोविंस 1 अप्रैल 1912 में। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार कब हुआ था? 1936 में, जब ओडिशा अलग हो गया था। सेकेंड डिवीजन ऑफ बिहार हुआ था 15 नवंबर 2000 में, जब झारखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया था बिहार से। ठीक है, तो स्टेट डे और फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है बिहार का? 22 मार्च। हमारे जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के वन लाइनर, वो भी हमने कर दिए हैं स्टार्ट। मई जून जुलाई का ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। पीडीएफ कोर्सेज भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, स्टेट लैंग्वेजेस क्या हैं? बिहार की फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी ही है, और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अदर जो लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं बिहार में, वो है भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही, जिसमें से मैथिली जो है वो मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज है। स्टेट एनिमल क्या है? ऑक्स है। स्टेट बर्ड है स्पैरो, और बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को एज अ स्पैरो डे। ठीक है, फ्लावर कौन सा है? स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड। स्टेट ट्री है, और इसका जो है स्टेट ट्री क्या है? पीपल। साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, स्टेट एम्बलम बोधि ट्री। स्टेट फिश है मंगूर, इंडियन वॉकिंग कैटफिश है ये, और इसको साइंटिफिक नेम है क्लैरियस बैट्राकस, और इसका IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है जहाँ तक मुझे पता है। अगर इसमें कुछ भी अपडेट हो तो प्लीज़ आप बताइएगा। ठीक है, हम इसी वीडियो के नीचे एक मैसेज आपको देंगे, उसमें एडिट करके इन्फॉर्मेशन बता देंगे। किसी भी फैक्ट में कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो या मुझे भी कुछ पता चलता है तो मैं भी वहाँ पे आपको बता दूंगी। ठीक है, स्टेट फेस्टिवल क्या है? छठ है। सबको ही पता है बिहार का फेस्टिवल छठ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, वर्ड बिहार को क्वाइन किया गया था फ्रॉम बिहारा, बिहारा बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री से पढ़ते हैं ना इसके बारे में हम, जैनिज्म बुद्धिज्म, देखिए बुद्धिज्म ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैनिज्म बुद्धिज्म बिहार के जीके में, और इसमें आपको एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है जैनिज्म बुद्धिज्म से। ठीक है, बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कोशिश करेंगे कि हम अलग से एक वीडियो लेके आ जाएं जैनिज्म की अलग से और बुद्धिस्ट की अलग से, उसमें सारे फैक्ट्स आपके कवर हो जाएं। स्टेट एरिया 94163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कितना है? 2.86% है टोटल इंडिया के एरिया के। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेप क्या है स्टेट की? रेक्टेंगुलर है। स्टेट की जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15
सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशंस क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसी बात पे आप मुझे बताइए कि इंडिया का टोटल एरिया क्या है और इंडिया के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कितने डिविजन्स हैं टोटल अभी तक की न्यूज़ में, बिहार में 9 है और डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 38 है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम बिहार 40, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम बिहार 16, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी है, 243 हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स कितनी है, 75। सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा 6 एंड सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लेजिस्लेटिव असेंबली 40। देखिए ये अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे बिहार का पॉलिटी, ठीक है। लेंथ की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट जो है स्टेट का जो पूरा लेंथ है वो 483 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ है 345 किलोमीटर, ठीक है। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बिहार के जीके का। आज थोड़ा सा आवाज़ में इशू आ सकता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।